दुनिया में दो तरह के इंसान होते हैं, एक जो पैसा खर्च करके इज्जत कमाते हैं और एक जो इज्जत खर्च करके पैसा कमाना चाहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ किसी न किसी विवादित बयान को लेकर के। परमहंसाचार्य जी महाराज और उनकी परम शिष्या शिव रंजनी तिवारी, दोनों जन का पता नहीं चल रहा है, जबकि दोनों जन का वीडियो धड़ल्ले से आ रहा था, कभी आज, कभी कल, कभी परसों, और हर रोज कुछ न कुछ विवादित बयान दे रहे थे। कभी कह रहे थे उनके माता पिता से बात कर लिया है धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज के, शिव रंजनी तिवारी का फिक्स हो गया है ब्याह, मैं एक फॉर्चूनर दे दूंगा, एक BMW दे दूंगा, 400-500 करोड़ रुपए खर्च कर दूंगा, ऐसा कह रहे थे परमहंसाचार्य जी महाराज। वहीं शिव रंजनी तिवारी ने भी पिछले बार भी कहा था और इस बार भी कहा था कि मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज के, बाबा बागेश्वर के इस बड़े महायज्ञ में, यानी कि 151 कन्याओं के विवाह में सभी बहनों को मैं अपनी तरफ से एक एक मोटरसाइकिल दे दूंगी। हर रोज इस तरह के बयान आ रहे थे, आप सभी ने देखा होगा। लेकिन जैसे ही 8 मार्च नजदीक होने को हुआ, शिव रंजनी तिवारी और परमहंसाचार्य जी महाराज ढूंढने से भी नहीं मिल रहे हैं। सभी पत्रकार लोग ढूंढ रहे हैं कि कहां मिल जाए, उनका थोड़ा सा इंटरव्यू मिल जाए, लेकिन इस समय परमहंसाचार्य जी महाराज का कोई बयान नहीं आ रहा है, क्योंकि वो भाग रहे हैं। हर कोई कह रहा है कि भाई कुछ तो दे दो, कुछ तो कर दो, और एक हफ्ते 10 दिन में शादी करवा रहे थे, कहाँ चले गए परमहंसाचार्य जी महाराज, उनका भी कोई बयान नहीं आ रहा है, और शिव रंजनी तिवारी का तो कोई बयान आ ही नहीं रहा है। शिव रंजनी तिवारी मौके के तलाश में है कि जैसे ही ये 151 कन्याओं के विवाह हो जाए, उसके बाद में मैं फिर से आऊँगी और कोई ना कोई खबर लेकर के आऊँगी, ताज़ा खबर लेकर के आऊँगी कि इस बार मैं क्या कर रही हूँ, और अगली बार कुछ और कन्याओं के विवाह करवाएंगे तो उसमें मैं कुछ ना कुछ और गाड़ियाँ दे दूँगी, कुछ बड़े हो सकता है कि हवाई जहाज़ दे दूँ, कुछ हेलीकॉप्टर दे दूँ। तो इस तरह की बातें ढूंढ रही हैं शिव रंजनी तिवारी, और इसी कयास में वो अब अपना अगला प्लान सोच रही हैं कि क्या करना है अगली बार। जैसे ही 151 कन्याओं का विवाह महोत्सव बीत जाएगा, वैसे ही ये लोग फिर से निकल आएंगे, वैसे ही जैसे ही बरसात आते ही निकल आते हैं टर टर करने वाले। सभी पत्रकार महोदय इस समय ढूंढ रहे हैं कि कहाँ ये लोग मिल जाएं और इनसे एक इंटरव्यू तो हो जाए कि आखिर क्या कहते हैं लोग। लेकिन एक बात सुनने में आया था कि मध्य प्रदेश में ही कहीं पे काफिला दिखा था शिव रंजनी तिवारी का, उसके बाद में उनका घेराव किया गया था, लेकिन वहां से वो भाग निकली शिव रंजनी तिवारी, वहां से भाग निकली कि मुझे क्या बोलना पड़ेगा, मैं क्या बोलूं, जवाब नहीं है मेरे पास, 151 कन्याओं की बात ही छोड़ दो, एक कन्याओं के लिए मैं कोई दान नहीं दे रही हूँ, मैं तो धाम भी नहीं जा रही हूँ। तो उनका कोई अभी हता पता नहीं चल रहा है। फिलहाल अगर वो ऐसा करती हैं 151 कन्याओं के विवाह महोत्सव में कुछ भी अनुदान करती हैं शिव रंजनी तिवारी, तो वाकई में वो सभी के मन में छा जाएंगी, सभी के दिमाग में आ जाएंगी और सभी उनका सम्मान करेंगे। हम सभी उनका सम्मान करते हैं अगर वो ऐसा काम करती हैं तो। फिलहाल वो जितना बोलती हैं उतना करती नहीं है, वो सभी जानते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय भागवत सरकार की।